जोर से बोलो कि आपकी रोर को सब लोग सुने। लेकिन जंगल का राजा क्यों है? हमने कभी सोचा? किसी ने आके बोला लायन इज द किंग, हमने लायन किंग भी देख ली, लेकिन व्हाई लायन इज द किंग ऑफ जंगल? देयर आर अ लॉट ऑफ लायंस इन दिस कैटेगरी। क्या चीता शेर नहीं है? क्या टाइगर शेर नहीं है? क्या लियोपॉर्ड और जैगुआर और ब्लैक पैंथर शेर नहीं है? ये सब शेर है, लेकिन व्हाई द बब्बर शेर इज द किंग ऑफ द ओल्ड एनिमल किंगडम? चीता इज मोर फास्टर देन लायन, टाइगर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एंड बिगर देन लायन, जैगुआर इज मोर स्ट्रॉन्गर, लेपर्ड इज मोर क्लेवर, स्नो लेपर्ड लिव हाईएस्ट ऑन द ग्राउंड्स। शेर तो जमीन पर रहता है, शेर को पेड़ भी नहीं चढ़ना आता, फिर भी शेर बादशाह है। क्यों है? क्योंकि लायंस आर द ओनली बिग कैट। लायंस बबर शेर वो वाहिद बिग कैट्स हैं जो कि टीम में रहते हैं। उसके अलावा कोई भी बिग कैट टीम में नहीं रहता। इससे हमें क्या मिलता है कि यू आर द किंग, यू आर द क्वीन, यू हैव एन एम्पायर। आपके पास बड़ी सी सल्तनत है, आपके पास बड़ा कैसा कैसल है, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आपके पास पावर है। कब है? जब आपके पास टीम है। टाइगर्स लिव्स अलोन, चीता लिव्स अलोन। ऑब्वियसली अपने बच्चों के साथ रहते हैं लेकिन फैमिली में नहीं रहते। वो रहते तो साथ साथ हैं, दो तीन एक दो, लेकिन वो पैक में नहीं रहते। उसको कहते हैं प्राइड। एक जख्मी शेर, अ वुंडेड लायन इज मोर डेंजरस देन अ सिंपल लायन। जो जख्मी शेर होता है ना, वो एक नॉर्मल शेर से ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि अब उसको जख्म लग गया है, अब उसको चैलेंज मिल गया कि अगर मैं जख्मी होके अगर मैंने हिम्मत हार दी तो फिर एनिमी मुझ पर अटैक कर देगा, या एनिमी मेरी जगह ले जाएगा। मेरे पीछे फैमिली है, मुझे उनको प्रोटेक्ट करना है, मेरे दोस्त है, मुझे उनको प्रोटेक्ट करना है। हमारे साथ भी ऐसी होता है, हम जख्मी होते जाते हैं, और हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग डेली जख्मी होते हैं, हमारे डेली हमें चैलेंजेस मिलते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है? जितने ज्यादा जख्म होंगे उसका मतलब ये नहीं है कि मोर वीकर। जितने ज्यादा जख्म है उसका मतलब क्या है? मोर स्ट्रॉन्गर। तो इफ यू लर्न फ्रॉम लायन, जो जितना ज्यादा जख्मी होता है, जितनी ज्यादा मुसीबतें ले रहा होता है, जितनी ज्यादा चीजों को एक्सेप्ट कर रहा होता है, जितनी ज्यादा फाइट बैक कर रहा होता है, वो क्या होता है? ज्यादा स्ट्रॉन्गर। हमेशा टीम्स में रहना है, हमेशा दोस्तों को प्रोटेक्ट करना है, टीचरों की बात माननी है, पेरेंट्स की बात माननी है, हमेशा कोशिश ये करनी है कि लायन ने जब हमें टीम में रह के एक जंगल एक एम्पायर का लीडर बनना सिखाया, तो हम क्यों ना एक लायन से सीखें और हम अपना एक एम्पायर बनाएं, अपना एक पाकिस्तान, एक मजबूत प्राइड बनाए जो कि हमारा एम्पायर होगा। आपको बताएं, लायन नेवर गोज टू हंट, द लायनेस आर हु गोज टू हंट। शिकार कौन करता है? लायनेस। शेर शिकार नहीं करता, शिकार कौन करता है? लायनेस। वो बहुत ज्यादा होती हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्गर होती हैं, बहुत फास्ट होती हैं, उन्हें पता होता है कि किस पे कितनी जल्दी रिएक्ट करना है। जितना हमें पता होता है कि भाई अगर जीब्रा भाग रहा है ना, अचानक से मुड़ जाता है, शेर भाग रहा था कि मैं भागता रहूंगा, मैं जीब्रा को पकड़ लूंगा, जीब्रा मुड़ गया, अचानक से मुंह के बल शेर गिर गया, चलो भाई। लेकिन लायनेस को पता होता है कि शेर यहां मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हर चीज पे फोकस करती है। अगर ये इतना तेज भाग रहा है तो ये यहां मुड़ जाएगा, अगर इसकी दुम इधर मुड़ गई तो वो यहां मुड़ेगा। वो जेब्रास को फौरन पकड़ लेती है, वो ये देखती है कि बफेलोस के बहुत बड़े बड़े सींग है। नहीं नहीं नहीं, हमें तो भूख लग रही है, हमें तो खाना खाना है। लेकिन लायन बोलता है भाई इसके जरा ना सींग है, जरा मैं अकेला हूँ, जरा देख लो यार, आप लोग देख लो। तो फिर लायनेस जाती है तीन और चार और बोलती है सींग है या जो भी है, वी हैव टू ईट, हमें तो खाना खाना है। तो दे हंट इन पैक्स, पप्पो खाला भतीजिया भांजिया सारी सारी ना, तो वो शिकार करती है। ये बात याद रखना, जितना पैक स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा हंट अच्छा होगा। हंट का मतलब है आपके गोल्स। सर अभी आके भाई ने बताया गोल्स, योर गोल्स शुड बी योर हंट, वो आपका शिकार होना चाहिए। उसको ऐसे पकड़ो जैसे रोज शेर सुबह उठता है और शिकार के पास प्लान करता है, और फिर सब उसको लेके जाते हैं और मजे से इंजॉय करते हैं, फिर एक डकार लेके सो जाता है। जब शेर ने एक बार खाना खा लिया अब वो सोता है, अब सबको शौक है ना, थोड़ा आराम करते हैं, लेकिन उससे पहले शिकार लाजमी है। बात समझ आई? yes.